अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम उज़ैफ़ा को लेकर आए मेडिकल से, इसका ग्रुप चेक कराते हैं। अगर इंशाल्लाह ताला इसका ब्लड ग्रुप जो हमें रिक्वायर्ड है वो हुआ तो इंशाल्लाह इसे ब्लड डोनेट के लिए अवेल करेंगे। तो कोशिश अभी देखते हैं इसका जो है ना ब्लड ग्रुप चेक करा रहे हैं ना, हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला कर उनके ब्लड ग्रुप चेक कराएँ। हाँ उज़ैफ़ा भाई, कोई टेंशन तो नहीं है? चलो ओके, करते हैं फिर आपसे बात। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अभी आज ही मेमन अस्पताल में हमें यहाँ पर जो है ना ब्लड डोनेट कराने लेकर आए थे एक लड़के को, तो यहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट है जो मेमन अस्पताल में ऊपर एडमिट है। तो शाम से वो बेचारे ढूंढ रहे थे ब्लड के लिए, उनको बी पॉजिटिव की नीड थी, मिल नहीं रहा था। तो अभी उनसे भाई से बात करते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है ब्लड की और कितनी बोतलें उनको चाहिए या उनके पेशेंट की क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई जान कितनी बोतलें चाहिए आपको? हमें तो डेली बेसिस पे एक बोतल हमें चाहिए थी, और अभी डॉक्टर साहब ने हमें जो है ना सजेस्ट किया है कि एक जो है ना मल्टी प्लेटलेट्स की लगेंगे, जिसमें 6 बोतल्स लगेंगे ना, तो वो हमें कल तक चाहिए बी पॉजिटिव की। देखिए 6 बोतलें और रिक्वायर्ड है इनको ना बी पॉजिटिव की, तो हमारी ये कोशिश है क्योंकि ये अभी हमें मिले हैं, तो यहाँ हमने हाथों हाथ एक बोतल तो इनको अरेंज करा दी है। तो आपका जो पेशेंट है वो बच्चा है, मेरे ख्याल से हमें बताया है कि वो बच्चा है, तो उसकी उम्र कितनी है बच्चे की? अभी 7 महीने है। देखिए 7 महीने का बच्चा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में है, लाजमी बात है कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो ब्लड की देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे नौजवान लड़के दिगर मामलात में पड़े हुए हैं। अब ये समझ लें कि नाइट मैच, अभी रमजान चल रहा है, नाइट मैच गेमिंग में लगे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं जो हॉस्पिटल में लोग हमारे परेशान हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा ये जो चैनल है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। ज़्यादा समझ लें कि ये पेशेंट है, अब हमें ये यहाँ मिले हैं, अब डोनर हमने इनको हाथों हाथ दिया है। हमारी तो देखें इसमें यही है कि हम भलाई कर रहे हैं लोगों की ना, अपने चैनल के तवस्सुस से कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों को समझाएंगे, जाएंगे लोगों में, पब्लिक में जाकर लोगों के पास जा जाकर उनको इंक्रीज करेंगे कि यार भाई आए ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये सदका जारी है और किसी की जान को भी हम सेव कर रहे हैं। अब बच्चा 7 महीने का है, अब आप सोचें इसको कि अगर हम यहाँ पर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बच्चा और कुछ भी उसके साथ मामला हो सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा इस तरफ आएँ और ब्लड डोनेट करें। तो इन भाई से यही हम कहेंगे कि अब हमारे जो है ना चैनल के लिए कुछ जो लोगों को पैगाम दें कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें। मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी हम इस कंडीशन में हैं, तो ये हालत है कि हमने तो अपने तरफ से जितना भी खून चाहिए देना था वो दे दिया, एक नहीं दो दो मरतबा दे दिया, और डॉक्टर साहब ने हमें रोक दिया कि जो है ना अभी आप नहीं दे सकते और कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो इस पोजीशन में और हमें डेली बेसिस पे ब्लड चाहिए, क्योंकि एक सर्वाइवल का जो है ना इशू है, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि एक बच्चे के जो है ना ब्लड की वजह से उसका सर्वाइवल जो है ना खतरे में आ जाए। तो हम तो अपनी जान लगा रहे हैं, और सुबह से हम परेशान थे, ब्लड के डिफरेंट जो है ना लैब्स पे हम गए, और आज सारा दिन नंबर बंद था, ये भी एक हमारे साथ मसला था, और एक इमरजेंसी वाली कंडीशन थी। तो जाके अभी हमें प्लेटलेट्स मिले हैं, और फिर भी हमें ब्लड भी चाहिए था, वो जो हमें अरेंज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इधर एक बड़ा मसला है, बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था और जो डोनर्स थे वो डिफरेंट थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो ना हमारे साथ। तो भाई का मेहरबानी, तो इंशाल्लाह ताला भी हम अपने ग्रुप में दोबारा अपील करेंगे कि बी पॉजिटिव और जितने भी लोग हैं वो भाई से रब्ता करें, इनका नंबर ले लेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो ज़ैफ़ा का हमने ब्लड निकलवाया है टेस्ट के लिए, अगर उनकी स्क्रीनिंग सही हुई तो उनका ब्लड इंशाल्लाह डोनेट के लिए हाजिर होगा। तो बार बार मेरी यही अपील है लोगों से कि यार ब्लड दो जिंदगी बचाओ, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूंगा, काफी सारे लोग हैं उनको अपने साथ मिलाया हुआ है मैंने, उन नौजवान लड़कों को समझा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ कि यार आप आकर ब्लड डोनेट करें, जो समझ रहा है वो ब्लड डोनेट कर रहा है, जो नहीं समझ रहा है अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। क्योंकि देखे ना ये इंसान की जो जिंदगी है ये मुख्तसर है कि कुल नफ्सुल ज़ाइकतुल मौत, इंसान को एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है, तो फिर इस बात पर क्यों हम अकड़ रहे हैं कि यार अपने सुकून को बचा कर रखें, तो हम क्यों ना किसी को डोनेट करें। ये अभी उज़ैफ़ा का देखिए ब्लड ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे पेशेंट है ना जो मेमन हॉस्पिटल में, एक बच्चा है जो कि ऊपर वार्ड में एडमिट है, काफ़ी जो है वो बच्चा 1.5 महीने का सीरियस पेशेंट है, तो इनका ओ पॉजिटिव है उज़ैफ़ा का, तो ये ब्लड दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ये इनका जज्बा लाए के तहसीन है, इसके लिए समझ लें कि ये अभी आप देखें ये जबरदस्ती इन्होंने बोला ब्लड लिया, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अपने दोस्तों को लाकर समझाते हैं और ये बताते हैं कि उज़ैफ़ा ये हमारा बहुत मजाकिया दोस्त है, तो ये तो आप समझ लें कि मेरे व्लॉग में मजाक ही करेगा। तो उज़ैफ़ा आपको कैसा फील हो रहा है?
सही है ना, ये देखो बच्चे को ब्लड दे रहे हो आप तो माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका बेड़ा पार है। हमारी तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाएं, ठीक है। तो बस ये है कि निकलेगा भी मेरे ख्याल से 40cc निकलेगा, तो टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ज़ेफा भाई आप परेशान ना हो, जाकर क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप, नो टेंशन।